हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को सांस लेने में तकलीफ की समस्या हुई, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोरोना वायरस टेस्ट किया गया, टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आए। संजू बाबा अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंचे ही थे कि एक ऐसी खबर सामने आ गई जिसने फैंस का दिल तोड़ दिया। खबर संजू बाबा के कैंसर पीड़ित होने की। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त लंग कैंसर से जूझ रहे हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ये कैंसर थर्ड स्टेज पर है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इसे फोर्थ स्टेज तक का बताया गया है। संजय दत्त के कैंसर पीड़ित होने के बाद आपको बता दें, बहुत जल्द वो विदेश अपने इलाज के लिए रवाना होने वाले हैं। और इन सबके बीच में इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे, कैंसर पीड़ित संजय दत्त अब कौन सी फिल्में हैं जो अधूरी रह गई हैं, अब कौन सी शूटिंग हैं जो संजय दत्त नहीं कर पाएंगे, बॉलीवुड के वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो संजय दत्त के विदेश रवाना हो जाने के बाद फिलहाल अधूरे छूट जाएंगे, फिल्म के मेकर्स की परेशानी किस तरीके से बढ़ गई है, चलिए आपको बताते हैं। संजय दत्त कन्नड़ फिल्म KGF चैप्टर 2 और यशराज बैनर की शमशेरा में नजर आने वाले हैं। KGF चैप्टर 2 और शमशेरा में रणबीर कपूर के साथ अभी कई सीन्स उन्हें शूट करने थे जिनका शेड्यूल तय हुआ था। शमशेरा को लेकर सिर्फ 3 दिन का काम बचा था, लेकिन अब मेकर्स के पास इस फिल्म को टालने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। मीडिया रिपोर्ट्स में हालांकि ये भी कहा गया है कि संजय दत्त के स्वास्थ्य को देखते हुए खतरनाक एक्शन सीन्स को शूट करना मुमकिन नहीं है। शमशेरा की एक सदस्य ने कहा, वैसे भी ये फिल्म अगले साल 2021 के मिड में ही रिलीज करनी थी, इसलिए शूटिंग खत्म करने की कोई जल्दबाजी नहीं है। वैसे भी ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज़ की जानी है, तो ऐसे में संजय दत्त के ठीक होने का इंतज़ार हम करेंगे। वहीं आपको बता दें, संजय दत्त काम से ब्रेक लेने की अनाउंसमेंट कर चुके हैं। शमशेरा, KGF चैप्टर 2 के अलावा महेश भट्ट की सड़क 2 में वो नजर आने वाले हैं। 28 अगस्त को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर सड़क 2 रिलीज होने वाली है, जिसकी डबिंग का काम रहता है और ये काम खत्म होते ही संजय दत्त विदेश रवाना हो जाएंगे। इसके अलावा संजय अजय देवगन की फिल्म भूज द प्राइड ऑफ इंडिया और टोरबाज में भी दिखाई देने वाले हैं। अब उनके ठीक होकर वापस आने तक इन फिल्मों के शेड्यूल को रोकना ही पड़ेगा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।